हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सोनिया और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ ऐसे योगा पोजेज जो उन लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हैं और लोगों को करने ही चाहिए जिनको हाइपरटेंशन और हाई बीपी का इशू है। तो मैं ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगी, बहुत मिनिमम एक्सरसाइज मैं आपको बताऊँगी जो आपको करनी ही चाहिए। जिनको हाइपरटेंशन और हाई बीपी का इशू है, सबसे पहले उनको एक बात का ध्यान रखना चाहिए जो है कि अपनी ब्रीदिंग पैटर्न का। आप अगर जिम भी जाते हैं या फिर कोई भी अदर एक्टिविटीज़ वर्कआउट करते हैं तो उसमें आपको ध्यान रखना चाहिए स्पेशली कि आपकी हार्ट बीट बढ़नी नहीं चाहिए, बहुत तेज़ हार्ट बीट नहीं होनी चाहिए कभी भी। यू हैव टू स्लो डाउन योर ब्रीथ, प्लीज़ टेक केयर ऑफ दिस थिंग। उसके लिए मैं कुछ योगा पोजेज आपको बताने वाली हूँ। मिनिमम आप स्टार्ट करें 10 मिनट्स का प्राणायाम कर लीजिए आप सुबह जब उठते हैं। 5 मिनट्स ओमकार के लिए आप किसी भी पोजीशन में आप नीचे आसन लगाकर बैठ सकते हैं, अपने बेड पे बैठ जाइए। ट्राई कीजिए कि आपकी स्पाइन स्ट्रेट रहे, कमर को सीधी करके बैठिए, हैंड सीन मुद्रा में रहे या फिर ऐसे ज्ञान मुद्रा में भी, और ऐसे भी आप रख सकते हैं। तो डीप इनहेल करना है, सांसों को भरिए, डीप इनहेल कीजिए और सांसों को छोड़ते हुए हमें ओम बोलना है। ऐसे ऐसे आप 3 बार मिनिमम कर सकते हैं। तो इनहेल आप अच्छे से सांस भरिए और एक्सहेल लंबे टाइम के लिए कीजिए। एक्सहेलिंग शुड बी लॉन्गर देन इनहेलिंग, इनको एक्सहेलिंग लंबा करते हैं। 5 मिनट्स ओमकारा, 5 मिनट्स चंद्र भेदी, दैट इज़ द मिनिमम। इसके लिए मैंने प्राणायाम के लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो भी बनाया है, आई विल शेयर द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। जिन लोगों को हाई बीपी का इशू होता है उन्हें कपालभाति का प्राणायाम प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए। अगर सपोज आपका नोज ब्लॉक है, आपको सर्दी का इशू है, तो कुछ प्राणायाम करने से पहले आप थोड़ी देर के लिए ये कर सकते हैं, लेकिन बहुत हाई ब्रीथ पे नहीं। आई टेल यू हाउ टू डू कपालभाति अगर आपको हाई बीपी का इश्यू है तो। डीप इनहेल कीजिए, अब एक्सहेल कर रहे, 2 पेस पे या फिर मीडियम पेस पे अपना कपालभाति प्रैक्टिस करना चाहिए, वो भी बहुत थोड़े टाइम के लिए। नेक्स्ट योगा पोजीज है आपके लिए फॉरवर्ड बेंडिंग। ऐसे दंडासना में बैठ जाएंगे। दंडासना का मतलब आपके लेग्स और आपका ये जो स्पाइन है ये राइट एंगल में होना है। आपका जो एक लेग को आप लीजिए ऐसे, और आपका जो ये सोल है, सोल ऑफ द फीट, उसको यहाँ पे थाइस के पास ऐसे लगा लीजिए। फिर इनहेल करते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर लेके जाइए और एक्सहेल करते हुए आगे की तरफ झुक जाइए। इस पोज में रुकिए 1 मिनट 2 मिनट, जितना भी आप रुक पाए, 30 सेकेंड्स 40 सेकेंड्स। फिर इनहेल करते हुए ऊपर उठना है और एक्सहेल करते हुए हैंड्स डाउन करना है। ऐसा ही हमें दूसरी साइड करना है। इस पोज को हम बोलते हैं जानू शीर्षासना। ऐसे नाउ इनहेल हैंड्स अप, एक्सहेल बेंड फॉरवर्ड, इनहेल अप, एक्सहेल हैंड्स डाउन। तो दिस आसना इज मस्ट। इसके साथ आप पश्चिमोत्तानासना कर सकते हैं, इससे पहले कर सकते हैं। पश्चिमोत्तानासना में आपको सीधे अपने दंडासना में बैठ जाना है। इनहेल अप, एक्सहेल फॉरवर्ड बेंड। आप नॉट कंफर्टेबल हियर, यू कैन कीप द पिलो। ऐसे इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। आप पिलो, एक नहीं तो 2 पिलो आप रख सकते हैं, उस पर अपना हेड रख के आप रेस्ट कर लीजिए, ठीक है, इन फॉरवर्ड बेंडिंग में, इन दिस पोज। और कीप ब्रीदिंग, हमें सांस लेते रहना है, सांस होल्ड करके नहीं रखना है। सेकेंड पोज है बालकासना, वो भी फॉरवर्ड बेंडिंग का पोज है। इसके लिए हम सबसे पहले कैसे बैठे, वज्रासना में बैठ जाएंगे। ऐसे वज्रासना में बैठने के बाद अपने दोनों लेग को अब इतना इतना ओपन कर लेंगे जितना हमारा लेंथ ऑफ द मैट है, लगभग इतना ओपन कर लेंगे। इसमें भी इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल, इसमें भी हमको आगे झुकना है एक्सहेल करते हुए। इनहेल हैंड्स अप और एक्सहेल डाउन। ऐसे ये हमारी बॉडी में कामनेस लाता है, हमारे माइंड में पीस लाता है और
हमारे ब्रीथ को स्लो डाउन करता है। तो ये दो आसना आपको जरूर करने चाहिए। दिस आर द मिनिमम आसना आई टोल्ड। फॉरवर्ड बेंडिंग में आप कोई भी आसना फॉरवर्ड बेंडिंग का आप इंक्लूड कर सकते हैं। आप खड़े होके भी आसना कर सकते हैं। थर्ड हो गया चेस्ट ओपनिंग एक्सरसाइज। चेस्ट ओपनिंग एक्सरसाइज में भी मैं आपको टू पोजेस बताऊंगी मिनिमम यू मस्ट डू। चेस्ट ओपनिंग का क्या फ़ायदा है? ऐसा हमें ऐसे बैठने की आदत हो गई है, राइट? हम हमेशा ऐसे बैठे रहते हैं। हमारा पोस्चर वाइल सिटिंग और पोस्चर इज नॉट करेक्ट। सी आई शो यू। हम ऐसे बैठे रहते हैं, ऐसे बैठे रहते हैं, राइट? दिस इज नॉट द करेक्ट पोस्चर। करेक्ट पोस्चर इज दिस टू सिट, राइट? आपका चेस्ट शुड बी वाइड, ये ओपन रहना चाहिए। तो इसकी वजह से ऐसे बैठने की वजह से क्या हो गया है कि हमारे हार्ट को स्पेस ही नहीं मिलता, वो जीना भूल गया है। तो फिर उसमें इश्यू होगा ही ऑब्वियसली, क्योंकि आपने उसको ऐसे संकुचित कर दिया है हमने अपने पोस्चर से। वी शुड बी केयरफुल वाइल सिटिंग कि हम कैसे बैठे। हार्ट पेशेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। उसके लिए मैं आपको दो पोजेस बताऊँगी। एक तो सिंपल, आप वज्रासना में ऐसे बैठ जाइए और अपने दोनों हाथों को ऐसे फिंगर को अपने दोनों हाथों को ऐसे क्लैप्स कर लीजिए और अपनी ओपन योर चेस्ट वाइड एंड लुक अप, ऊपर देखिए। कीप ब्रीथिंग हियर। इस पोज में आप थोड़ी देर बैठ जाइए। इससे जो ब्लड सर्कुलेशन होगा हमारे चेस्ट में वो बहुत अच्छा जाएगा। हार्ट को ओपन अप होने का चांस मिलेगा, उसको राहत की चैन आएगी, वो तो वो अच्छे से काम करने लगेगा। हाँ, एक और बात, अगर आपको ऐसे बैठने वज्रासना में बैठने में दिक्कत होती तो आप एक छोटा सा पिलो यहाँ पे ऐसे लगा सकते हैं, ठीक है? आप ऐसे पिलो लगा लीजिए बीच में और अपने पैरों की ये आपके पैरों की उंगलियाँ ये मिली होनी चाहिए, ऐसे आपको बैठना है और आपके हैंड को पीछे ले जाके ऐसे क्लैप्स कर लीजिए जितना भी आप स्टार्टिंग में जा पाए। धीरे धीरे प्रैक्टिस में लाएंगे तो धीरे धीरे आप होने लगेगा, सब आसना होने लगेंगे। एक बहुत अच्छा आसना है जिसमें आप अपने पेट के बल लेट जाएंगे। सबसे पहले पोज आपके फ्लैट होने चाहिए ऐसे, ओके? ऐसे ऐसे नहीं रखना है, ऐसे रखना है, राइट? और अपने हाथों को यहाँ पे अपने चेस्ट के पास रख लीजिए इधर और डीप ब्रीथ ना, इनहेल करते हुए हमको ऊपर उठना है धीरे 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 ऐसे जितना भी ऊपर आप जा पाए। कीप ब्रीथिंग हियर, स्टे हियर। ये आपके हैंड्स को भी बहुत मजबूत बनाता है क्योंकि आपका जो बॉडी वेट है, फ्रंट बॉडी वेट आपके हाथों पर आता है। तो ये स्टार्टिंग में आपको दिक्कत होगी लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, हाथों में दर्द भी हो सकता है स्टार्टिंग में, लेकिन धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे तो यू विल फाइंड इट वेरी यूजफुल एंड इट विल क्रिएट अ स्ट्रेंथ इन योर बॉडी। टू आसनास मैंने चेस्ट ओपनिंग के आपको बताए हैं, टू आसनास मैंने आपको बताए हैं फॉरवर्ड बेंडिंग के, एक बालकासना, एक जानू शीर्षासना। उसमें आप पश्चिमोत्तासना भी इंक्लूड कर सकते हैं और जितने भी फॉरवर्ड बेंडिंग के कोई भी आसना आप अपने प्रैक्टिस में ला सकते हैं अगर आपको हाई बीपी का इशू है, तो सबके लिए बहुत बेनिफिशियल है। ये हमारी बॉडी में बैलेंस क्रिएट करता है। बैलेंस बना रहेगा बॉडी में तो हमें ऑब्वियसली कोई बीमारी नहीं होगी। हमें बीमारी तभी होती है जब हमारी बॉडी में कोई भी एलिमेंट कुछ भी थोड़ा इम्बैलेंस हो जाता है। तो कुछ बीमारी ऐसी होती है जो एकदम से दिख जाती है, कुछ बीमारी लंबे समय के बाद दिखती हैं। तो बीपी का इशू भी एक वैसा ही है। सुबह उठ के अपने बेड पे बैठ के थ्री टाइम्स ओमकार आप कर लीजिए। 5 मिनट्स में आप चंद्रभेदी प्राणायाम कर लीजिए। 5 मिनट्स स्टार्ट कीजिए, हैबिट में लाइए। एटलीस्ट इतना तो आपको देना ही चाहिए। इतना भी आप अपने हेल्थ के लिए नहीं दोगे तो फिर कैसे चलेगा, राइट? यू हैव टू मेक एफर्ट। और हेल्थ ऐसा है जो कोई और हमारे लिए नहीं कर सकता। वी हैव टू अर्न इट, इट्स आवर बॉडी, वी हैव टू टेक केयर ऑफ इट, राइट? पैसा आपके लिए कोई दूसरा कमा सकता है लेकिन हेल्थ आपके लिए कोई नहीं कमा सकता। यू हैव टू मेक एफर्ट टू अर्न योर हेल्थ। गिव इट अ प्रायोरिटी, योर हेल्थ इज योर प्रायोरिटी। आप ज़्यादा नहीं टाइम दे पा रहे हो, क्या? आई कैन अंडरस्टैंड, बहुत काम होते हैं ऑब्वियसली, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, लेकिन उनको अच्छे से करने के लिए आपको योगा अपनी लाइफ में लाना बहुत ज़रूरी है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभाने के लिए, वो आपको निभानी ही है, करना ही है, राइट? उनको अच्छे से करने के लिए हमें योगा अपनी लाइफ में लाना ही चाहिए। तो स्टार्टिंग शुरू से धीरे धीरे कीजिए, अपनी हैबिट में लाइए योगा को, अच्छा लगने लगेगा जब आप करेंगे तो। लेकिन एटलीस्ट दी 20 मिनट्स आप अपने लिए ज़रूर निकालिए अगर आपको हाई बीपी का इशू है। ऐसा नहीं कि हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। हम 1 घंटा स्क्रॉलिंग करने में मोबाइल में लगा देते हैं लेकिन अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं देते हैं। वो 20 मिनट्स स्क्रॉलिंग कम कर लीजिए,
20 मिनट्स आप अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए, यू विल फाइंड अ हैप्पीनेस इन योर माइंड। आज के लिए बस इतना ही, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू।